ऑपरेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन के दौरान ही होश में आ जाए, ऐसी घटना को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इतिहास में किसी के साथ ऐसा हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। क्या आपके किसी अंग का ऑपरेशन हुआ है? अगर नहीं तो जरा सोचिए कि आप अचानक से उठते हैं और आप अपने ही शरीर को कटते हुए देखते हैं। डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सारे मेडिकल इक्विपमेंट आप अपने शरीर के अंदर जाते हुए महसूस करते हैं। उनके हाथ आपके खून से लथपथ हैं और आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप बस यही दुआ करेंगे कि आप मर जाए, मगर आप दर्द सहने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। ऐसा सोच पाना ही एक आम आदमी के लिए कितना भयानक सा लग रहा है, मगर ये सच्चाई है। कोई मूवी का सीन नहीं, हकीकत जो भविष्य में किसी के साथ भी हो सकता है। जरा आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार होते होंगे। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी मरीज का होश में आ जाना। इसे ही साइंस की भाषा में एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है। ऐसे लोग जो एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार होते हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर से गुजरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ऑपरेशन होते हुए देखा है, अपने शरीर को कटते फटते चीरते हुए देखा है। और बेचारे वे लोग एनेस्थीसिया अवेयरनेस के दौरान कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी पूरी बॉडी ही पैरालाइज्ड होती है। ऐसे लोग अंदर ही अंदर रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर अफसोस उनकी आवाज डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ऐसे मरीज अपने मन के अंदर ही रोते हैं, चीखते हैं। डॉक्टर को भनक तक नहीं लगती कि मरीज ऐसी किसी कंडीशन में है। 2004 में सिडनी विलियम्स नाम के पेशेंट की दिल का ऑपरेशन होने वाला था। सर्जरी से पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि आपके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। जब छाती यानी ब्रेस्ट बोन को ओपन किया गया उसी समय सिडनी को होश आ गया और वो ऑपरेशन के दौरान हिल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि रो भी नहीं पा रहा था। उसने अपने पूरे हार्ट का ऑपरेशन अपनी आंखों के सामने देखा, अपनी ब्रेस्ट बोन पर सुई धागे से सिलाई होती हुई देखी। सोचो कितना भयानक सा लग रहा है। ऑपरेशन के बाद तो ठीक हो गए, मगर उन्हें कई दिनों तक नींद नहीं आई। ऑपरेशन से रिलेटेड बुरे बुरे ख्याल सपने आते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह घटना उनके लिए ऐसा था जैसे मानो किसी ने उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया हो। इसी तरह की एक और घटना जेनी स्मिथ के साथ हुई। डॉक्टर को ऑपरेशन करके उनके दोनों ओवेरी निकालनी थी, मगर ऑपरेशन के दौरान ही उन्हें होश आ गया। दवाई के कारण जीनी का शरीर पैरालाइज था, इस वजह से ना तो वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कोई संकेत दे पा रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर को ये लगे कि वो होश में आ गई। वो हर एक कट, हर एक चीरा महसूस कर रही थी और उससे होने वाले दर्द को झेल रही थी। उसके लिए ये दर्द ऐसा था जैसा मानो किसी ने उसे जिंदा ही जला दिया हो। गले में ब्रीदिंग ट्यूब होने के कारण भी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ये दर्द उसके लिए इतना खौफनाक था कि वो बार बार बेहोश हो जाती और जब वो होश में आती तो वापस उसे ये सब सहना पड़ता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एनेस्थीसिया का डोज जीनी को दिया गया वो ऑपरेशन के बीच में ही खत्म हो गया, जिसके कारण वो होश में आ गई और एक खतरनाक घटना का शिकार हो गई। लेकिन एनेस्थीसिया अवेयरनेस का सबसे भयानक और खतरनाक केस शर्मन साइजमोर नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ। शर्मन साइजमोर को पेट में दर्द था और इस दर्द का कारण जानने के लिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए उन्हें एक पैरालाइज्ड इंजेक्शन का ड्रग दिया जिससे कि वो पैरालाइज्ड हो गए, परंतु एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना भूल गए।
और उनका यह ऑपरेशन पूरे 29 मिनट तक चला। शर्मन 16 मिनट तक होश में रहे और उन्होंने अपना ऑपरेशन होते हुए देखा। जब डॉक्टर को इस बात की पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शर्मन को ऑपरेशन के बाद बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। उनके ऊपर हमेशा एक डर का साया मंडराता रहता था। वो रातों रात सोते नहीं थे। उनके लिए ये मंजर इतना भयानक था कि उन्होंने ऑपरेशन के लगभग एक महीने बाद खुदकुशी कर ली। एक सर्वे में यह पाया गया है कि ऐसी घटनाएं 19,000 मरीजों में से किसी एक मरीज के साथ ऐसा होता है। मगर ऐसा मरीज के साथ क्या होता है और क्यों होता है कि मरीज ऑपरेशन के दौरान होश में आ जाते हैं? सामान्यतः डॉक्टर ऑपरेशन से पहले मरीज को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज एक गहरी नींद में चला जाता है, जिसके कारण ऑपरेशन के दौरान होने वाले दर्द का मरीज को एहसास नहीं होता और डॉक्टर आराम से मरीज का ऑपरेशन कर लेते हैं। एनेस्थीसिया मरीज के शरीर में जाने के बाद दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला तो वो मरीज को बेहोश कर देता है और उसके शरीर को सुन्न कर देता है, ताकि ऑपरेशन के दौरान चीर फार करने से दर्द का एहसास ना हो। और दूसरा यह है कि एनेस्थीसिया मरीज के माइंड में कोई नई मेमोरी क्रिएट नहीं होने देता, जिससे कि मरीज के माइंड में ऑपरेशन से रिलेटेड कोई ख्याल ना रहे और मरीज का दिमाग अचेत अवस्था में हो जाता है। ऐसे डॉक्टर जो इसका निर्धारण करता है कि किस मरीज को कितना एनेस्थीसिया का डोज दिया जाए, वह डॉक्टर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहलाता है, क्योंकि हर दवाई हर खुराक अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए डॉक्टरों को एनेस्थीसिया का डोज बनाने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यदि ज्यादा डोज बना दिया जाए तो मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है और कम डोज दे दिया जाए तो मरीज एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार हो सकता है। डॉक्टर्स एनेस्थीसिया का डोज मरीजों द्वारा दिए गए उनके आंकड़ों के आधार पर ही बनाता है। इसलिए डॉक्टर आपसे पूछता है कि आप ऑपरेशन के लिए फिट हैं और आपका खान पान क्या है। मगर कुछ लोग डॉक्टर को गलत जानकारी देते हैं, जिससे ये घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। मेडिकल साइंस में ऐसी भी मशीनें हैं जिससे मरीज के माइंड से यह पता लगाया जा सकता है कि मरीज कब तक होश में आ जाएगा, मगर ऐसी मशीनों की कीमत बहुत महंगी होती है, इसलिए इस प्रकार की मशीनें कुछ अस्पताल में उपलब्ध है। इस हादसे से बचने के लिए हम एक ही उपाय अपना सकते हैं कि हम डॉक्टर्स को सारी जानकारी ठीक ठीक दे और इस बात का हम पूरा ध्यान रखें कि हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाए। माता पिता डॉक्टर्स को इसके बारे में भी ध्यान दिलाए कि एनेस्थीसिया का डोज उचित मात्रा में दिया जाए। मेरी पहली वॉइस ओवर वीडियो है, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, एम रखता हूँ 10 लाइक का, छोटा सा टारगेट है पूरा कर दो यार। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ज्ञानियों आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।